अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी रियलिस्टिक इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। ये शाम के टाइम पे मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले मैंने चिकन को क्लीन किया था। आज मुझे बनाने थे जिंगर बर्गर फ्राइड चिकन, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन के साथ साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चिकन को वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मुझे मिली थी लेग्स जो हैं वो स्किन के साथ, तो विदाउट स्किन मुझे नहीं मिल रही थी इसलिए मैं स्किन के साथ ही लेकर आ गई थी। तो ये इजी होती है बिल्कुल स्किन इसकी रिमूव करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से इसको सिर्फ हाथों से ही इसको पकड़ के और पीछे की तरफ कर रही हूँ, तो स्किन इसकी रिमूव होती जा रही है ईजीली। इसी सेम बर्तन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके उसमें पानी डाल के अब मैं चिकन जो है वो मैं यहाँ पे डालती जाऊँगी। मैं यहाँ पे सारी चिकन डाल के इसको दो तीन दफ़ा वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि चिकन जो है वो पूरी क्लीन हो जाए। क्लीन करने के बाद मैंने फिर से साफ़ पानी चिकन में डाल के इसको मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है और इसमें जाएगा विनीगर, वाइट विनीगर जो होता है वो मैं इसमें डाल के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी, ताकि चिकन अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके और 10 मिनट के लिए ना छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन वॉश किए थे दोपहर के टाइम पे, तो बस वो मैं सेट करके रखती जाऊँगी। और अजान आ गई थी तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर वापस किचन में आ गई थी। चिकन में मैंने सॉल्ट और विनीगर डाल के रखा, तो बस मैं उसको अभी ड्रेन आउट कर दूँगी अच्छे तरीके से, उससे पूरा पानी निकाल दूँगी। मेरे किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, बस सिंक और ये है काउंटर टॉप, तो बस जो भी चीज़ें होती हैं जल्दी से क्लीन करती जाती हूँ मैं साथ ही साथ, ताकि मुझे स्पेस मिले बाकी चीज़ें करने के लिए। यहाँ पे बस मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी। उसमें सॉल्ट जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो वो डाल दें, अगर पाउडर है तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का पाउडर यूज़ किया है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और तंदूरी मसाला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, पेपरिका पाउडर, तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। चिकन की जो भी मैरिनेशन हो, ज़रूरी नहीं आप यही करें, इसमें आप जो भी करेंगे उसका टेस्ट अच्छा ही आता है चिकन का। तो यहाँ पर मैं अभी डाल रही हूँ तंदूरी मसाला, मैंने इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च मैंने डाल दी थी। एक और चीज़ रिकॉर्ड करने के टाइम पे मुझसे रह गई थी, वो वाइट पेपर पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया था और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैं एक दो घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप इस मैरिनेशन को एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स करके दो घंटे के लिए छोड़ दिया था। पे मैं एक बाउल में मैदा डाल दूंगी और उसकी तैयारी कर लूंगी, ताकि वापस आके मुझे जो चीज़ें हैं वो बस तैयार हो और जल्दी से मैं उनको बनाती जाऊं। असल में मुझे जाना था फिज़ियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल, तो इसलिए जो भी काम था मैं यहाँ पे माइंड अप करके जाऊंगी। यहाँ पे मैंने सॉल्ट और रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसको कवर करके साइड में रख दूंगी और साथ ही साथ बस काउंटर टॉप भी मैं क्लीन करती जाऊंगी।
जाने से पहले मैंने सारी तैयारियां कर ली थी ताकि वापस आके मैं बस जल्दी से कुकिंग स्टार्ट कर दूं। यहाँ पे मैं कटिंग करके भी रख के जाऊंगी जो चीज़ें उसमें डलेंगी। बाहर जाने से पहले मैं चाय ज़रूर लेती हूँ, अगर मैं चाय नहीं लूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। यहाँ पे मैंने हाफ कोकम्बर लिया था, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके कट करके बस मैंने इसको रख दिया है। और साइड में बस मैं अभी कैबेज कट करके इसको भी मैं रख दूँगी। पहले से ही अगर तैयारी मुकम्मल हुई हो तो जल्दी से सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे सबको वॉश करके और कट करके रख दी जाऊँगी। यहाँ पे मेरी सारी कटिंग हो गई थी, बस मैं इसको साइड में रख के कवर कर दूँगी और बस मैं यहाँ पे चाय में पत्ती और शुगर डाल के इसको मैं छोड़ दूँगी और तैयार होने के लिए चली जाऊँगी। 5 मिनट में ये कड़क चाय रेडी हो जाती है। बस मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ शाम की चाय। मैं रेडी होकर आ गई और चाय भी बन गई पीछे से, तो चाय के ऊपर ये फ़ायदा होता है कि खड़ा नहीं रहना पड़ता। बस इसको कप में लेकर मैं कार में बैठूंगी और कार में चाय एंजॉय करती जाऊंगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी हॉस्पिटल और वेट कर रही थी नंबर पर। बस थोड़ा वेट किया और मेरा नंबर आ गया था, तो मैं अंदर चली गई और मेरा फिजियोथेरेपी सेशन था तो वो स्टार्ट हो गया था। ये 20 मिनट का सेशन होता है तो 20 मिनट मेरे पूरे हो गए। उसके बाद हम बस वापस जल्दी जल्दी घर आ गए और मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। वापस आते आते 9 बज गए थे, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो जल्दी से बस मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास ठंडा पानी नहीं था तो मैंने इसमें पानी में आइस डाल दी और यहाँ पे बस मैं चिकन को मैदे में पहले डिप करके फिर पानी में डिप करके फिर वापस मैं इसको मैदे में डिप करूँगी ताकि अच्छे से क्रम्स आ जाएं। वैसे तो ये जल्दी बन जाता है, बस हमें रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी में बन जाती हैं चीज़ें। बस इसको मैंने पानी में डिप करके इसको वापस मैंने मैदे में डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छा सा एक लुक आ जाए। और मैं बस इसको ऑयल मेरा वहाँ पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, गरम हो गया है तो बस मैं इसमें ना डालती जाऊँगी। यहाँ पे बस मैं इसको ऑयल में डालती जाऊँगी। इसको मैंने फुल ऑयल को पहले गरम करके छोड़ दिया था, फिर मैंने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम पे रख दी ताकि चिकन जो है अंदर से भी कुक हो जाए अच्छे तरीके से। और इसमें ये है कि हमें 5 मिनट 7 मिनट तक इसमें स्पून नहीं चलाना, 7 मिनट के बाद आप इसमें स्पून चलाएं ताकि ये चिकन है वो चिकन की जो कोटिंग है वो रिमूव ना हो, इसलिए हम स्पून इसमें 7 या 5 मिनट के बाद हम इसमें चलाएंगे। इसको पहले मीडियम फ्लेम पे हम 7 मिनट तक कुक करने देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको हम हाई फ्लेम पे कर देंगे और इसको बस ऑयल से निकाल देंगे। जो चिकन को फ्राई करने का टाइम होता है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए होता है, वो बन जाती है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने बस फ्राई करने के लिए रख दी, साइड में मैंने बन्स लिए और इसमें मैं चिली मायोनीज मैं वो लगा दूँगी और बाकी की प्रिपरेशन मैं कर दूँगी ताकि बस फ्राई हो जाए चिकन और मैं इसमें रखती जाऊँ।
यहाँ पे चिकन जो है फ्राई हो गई थी अच्छे तरीके से, बस मैं इसको ऑयल से निकाल दूँगी। बस चिकन को मैंने साइड करके रख दिया था, इसके ऊपर मैं चीज़ रख दूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। गरम गरम चिकन के ऊपर ही मैंने रख दी थी। यहाँ पे लेग पीस भी फ्राई हो गए थे, बस मैं इसको भी निकाल के साइड में रख दूँगी। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती हैं। बस यहाँ पे जो चिकन मैंने बर्गर्स के लिए ब्रेस्ट पीसेस मैंने बनाए थे तो मैं वो रख दूँगी बर्गर के ऊपर। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें टमेटो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुकम्बर और कैबेज मैंने डाला है, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं चिली मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप केचप जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस पैन ले लिया है, उसमें मैं बर्गर्स रखती जाऊँगी ताकि ये गर्म हो जाए अच्छे तरीके से और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। इसके ऊपर मैं ऑयल डालती जाऊँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। अगर आप लोगों के पास ओवन है तो आप उसमें रख दीजिएगा तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, देर हो गई थी ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने बस जल्दी से तवे पे ये रख के चीज़ को मेल्ट कर दिया। यहाँ पे बर्गर्स रेडी हो गए थे और चिकन फ्राई भी हो गई थी, तो बस मैं यहाँ पे सर्व कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बने थे ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, इतने यम्मी बने थे ये, और मैंने यहाँ पे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये बाइट खा लिया। ये देखें यहाँ पे बर्गर्स की लुक कितनी अच्छी आई है। आप ये इजीली घर में बना सकते हैं और ये आसानी से बन भी जाते हैं जल्दी से। बस डिनर करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में बर्तन वॉश करने के लिए, किचन को क्लीन करने के लिए, ताकि सुबह में जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए उठूँ बनाने के लिए तो सारा किचन जो है वो क्लीन हो और बर्तन साफ़ हो सारे। रात में ही मैं कर लेती हूँ ताकि जो मेरा टाइम है वो बच जाए, और ऐसे किचन भी गंदा लगता है पूरी रात अगर बर्तन पड़े हो तो मज़ा नहीं आता। मैं रात में ही सारा किचन और बर्तन वगैरह क्लीन करके रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा किचन का काम जो है वो ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।